लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पूरी दुनिया में समाज की खौफनाक निगाहें जो एक शमशीर बनकर पहरा दे रही हैं उसको अपने कैमरे में कैद करते हैं, वो हर जगह हर घर में लाइव टीवी कहने चलता है। मैं यही कहूँगा, मेहनत करेंगे, इल्म का दीपक जलाएंगे, हम सब यहाँ से मिलकर अंधेरा मिटाएंगे। भारत पे कोई वक्त आए तो हम काम आएंगे, जो कह दिया जुबान से करके दिखाएंगे। सपना बसा हुआ ये हमारे नयन में है, द लाइट टीवी गुलाब बन के दिलों के चमन में। आई वर्क बिफोर द मॉर्निंग, आई नेवर सेड एन अगली वर्ड, बट स्माइल एंड रेस्पेक्ट टू प्ले माई जॉब, माई डियर ब्रदर, द ग्रेट नेम इन द लाइव टीवी। इफ यू डोंट माइंड, विल यू बी काइंड एनफ टू सेंड मी अ कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ्स विच फील एट द ब्यूटी ऑफ माई स्कीरा एल्बम। आई लव यू द ग्रेट लाइव टीवी, लाइव टीवी शुक्रन। द लाइव टीवी कैसे देखते हैं आप? द लाइव टीवी बहुत अच्छा चैनल है, आपने इस चुनाव में जो है बड़ा योगदान किया और बड़ी निर्भीकता से आपने पत्रकारिता की, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर। पत्रकार जो है उसके लिए सिर्फ सम्मान ही है, सम्मान के अलावा अगर पत्रकार कुछ चाहे तो उसको नहीं मिल सकता, और जो पत्रकार है उसके लिए सम्मान ही सब कुछ होता है। क्या परिपाटी बदली है पत्रकारों की? अब किस एक तो लुटियन दिल्ली जो नाम नहीं, नहीं, बहुत परिपाटी बदल गई। अब तो पत्रकारिता बची ही कहाँ है, अब तो कुछ पत्रकारिता नहीं। पत्रकारिता का मतलब ये होता है जो आपने देखा वो लिखी है आप। जो भी पत्रकारिता में अपना योगदान किसी भी रूप में दे रहे हैं ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरफ चलना चाहते हैं। हम नीतियों के ऊपर चलना चाहते हैं, हम बेनिफिट्स के ऊपर चलना चाहते हैं। हम अगर नीतियों के ऊपर चलना चाहते हैं तो ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम नीति पे चल रहे हैं तो हमें किसी भी पार्टी के फेवर में बात नहीं करनी। जहाद आदमियत अमन मेरा नाम है, दर्द मैं इंसानियत का, तो ये मेरा काम है, रोशन मेरी हयात की हर सुबह शाम है। इस चुनाव में जो सोशल मीडिया का पत्रकार है, यूट्यूब चैनल हो, वेब पोर्टल्स हो, या और भी जो इस तरह के स्वतंत्र पत्रकार हों, ये उन्हीं का वो प्रयास था, मेहनत थी कि इस चुनाव को जनता ने लड़ा है, ये चुनाव पार्टियों ने नहीं लड़ा। तो अगर सम्मान मिला है तो बहुत बड़ी बात है। ये तो रोज़ आप पाते हैं सम्मान, लेकिन एक नेता जो 25-15 साल राजनीति कर लेता है उसके पास फॉर्चूनर आ जाती है, आप इस बात को जान रहे हैं? मेयर साहब आए थे यहाँ, बोले हैं। हाँ, मेयर साहब आए थे, बोले ईमानदार रहो, और भाजपा की सरकार है, कितने ईमानदार पत्रकार जेल गए यहाँ से अब तक? अब तो अगर आप सरकार के साथ खड़े हैं तो आप जेल नहीं जाएंगे सर, और अगर आप सवाल पूछ लेंगे तो आप जेल जाएंगे। मतलब सरकार दमनकारी हो सकती है? अब दमनकारी हो ही सकती है सरकार, बिल्कुल, अगर आप सच की आवाज़ दबा रहे हैं तो दमनकारी हैं आप। कुछ कहेंगे जनता के लिए? ये आपका नहीं, जनता से यही करेंगे कि सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता के पक्ष में रहें, चटुकारों से दूर रहें।